हेलो। तो दोस्तों, मधुबनी स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया अपडेट के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि एक नया अपडेट लेकर के आए हैं, जो पावर ग्रिड से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा। तो इसी के बारे में आज हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है कौन सा पोस्ट रहने वाला है, कौन सा जो है कहाँ से ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है, सैलरी क्या कैसे, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की वैकेंसी की ओर और देखते हैं इस वैकेंसी में जो है आज क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। तो पावर ग्रिड से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम वन, मतलब ईस्टर्न रीजन से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा। रीजनल हेडक्वार्टर बोर्ड कॉलोनी शास्त्री नगर पटना बिहार। तो दोस्तों, इसमें जो है वैकेंसी कहाँ से देखने को मिल रहा, कितना पोस्ट है, ये सारा चीज़। तो इसमें जो बताया गया है कि प्रिफ्रेंस नंबर जो दिया हुआ है, इसमें अप्रेंटिसशिप का जो है इसमें वैकेंसी देखने को मिल रहा है। 24-25 डेट जो देख लीजिए, करंट डेट का जो है ये वैकेंसी है 19-8-2024। तो ये इसमें जो है क्या कैसे होने वाला है, तो देखिए इसमें बता रहे कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20-8-2024 से स्टार्ट है और 8-9-2024 को ये अंत होगा। तो 20-8 से अगस्त से स्टार्ट है और सितंबर में जाके ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बता रहा है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए महारत्न इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महारत्न जो है कंपनी में से ये एक है। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये होता है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोमोसिंग इनर्जेटिक एंड ब्रिज कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट रीजन, मतलब एक साल का जो है ये अप्रेंटिसशिप है ईस्टर्न रीजन से, यह वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें ट्रेड कौन कौन सा रहने वाला, स्टेट देख ले, बिहार रीजन से है ये, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं बिहार से, और बाकी सारे रीजन से वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो आज थोड़ा नेट का इशू है, बाकी जो है सो नेट के इशू के कारण जो है, नहीं तो हम सारा अभी आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये बिहार स्टेट के लिए है, तो देख लीजिए इसमें क्या क्या। तो इसमें जो है ITI के लिए है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए है, डिप्लोमा सिविल के लिए है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए है, ग्रेजुएशन सिविल के लिए है, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम के लिए है, और इसमें HR एग्जीक्यूटिव का भी पोस्ट है, PR असिस्टेंट का है, ये सारा जो है पोस्ट मिलके इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाता है 48। और इसमें जो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, UR करके ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये PDF जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जो है इसको देख के अगर अप्रेंटिसशिप करना है तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। झारखंड के लिए था ये, बिहार का तो हो गया, अब ये झारखंड का था, ये यहाँ भी दिखा देते हैं हम आप लोग को। स्टेट झारखंड अब स्टार्ट हो जाता, बिहार के लिए जो था ये बता दिए हम, यहाँ पे टोटल 48 पोस्ट है। अब झारखंड स्टार्ट होता है तो दूसरे पेज पे चलते हैं, झारखंड में क्या क्या दिया हुआ। ITI का 2 सीट है, ITI इलेक्ट्रीशियन का 2 सीट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन का 3 सीट है, डिप्लोमा सिविल का 3 है, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल BTEC इलेक्ट्रिकल का 5 सीट है, ग्रेजुएशन सिविल का 2 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम का जो है 1 सीट है, HR एग्जीक्यूटिव का 2, मतलब टोटल 18 पोस्ट इसमें देखने को आपको मिले। तो इसमें जो है ट्रेनिंग का जो लोकेशन होने वाला है, ये भी अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आरा, बांका, उसके बाद गया, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, उसके बाद सहरसा, सीतामढ़ी, उसके बाद RHQ पटना, मतलब ये सब जो है ट्रेनिंग का लोकेशन है बिहार का। और स्टेट झारखंड में देख लीजिए
इसका जो लोकेशन होने वाला है, ये सारा लोकेशन जमशेदपुर दिया हुआ है, डाल्टनगंज दिया हुआ है, चंदवा दिया हुआ है, उसके बाद रांची दिया हुआ है, न्यू रांची दिया हुआ है। ये सारा जो है लोकेशन जो है यहाँ पे आप लोग को जो ट्रेनिंग का लोकेशन दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मंथली स्टाइपेंड अमाउंट कितना मिलेगा। तो आईटीआई अगर कैंडिडेट किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन से तो उसके लिए 13,500 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 15,000 रुपया स्टाइपेंड मिलने वाला है। इससे आगे बढ़ के देख लेते हैं और क्या क्या दिया। डिप्लोमा सिविल के लिए अगर आप हैं कैंडिडेट तो उसको 15,000 रुपया मिलने वाला है स्टाइपेंड के रूप में। ग्रेजुएट है इलेक्ट्रिकल से उसको 17,500, ग्रेजुएशन सिविल से है अगर तो 17,500, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक है तो 17,500। इसी प्रकार से हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी जो है इसमें, बाकी और सबका भी 17,500 ही दिया हुआ। इस हिसाब से इन लोगों का क्वालिफिकेशन है। तो इसमें देख लीजिए डिटेल टर्म एंड कंडीशन जो है इसमें दिया हुआ, वो टर्म एंड कंडीशन पावर ग्रिड के तरफ से वो भी अभी हम बताने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कैंडिडेट हुज पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंटेन अबव द पास डेट ऑफ रिजल्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन, जिनका रिजल्ट फाइनल हो गया है वही इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी अपेयरिंग में है वो नहीं कर सकते। विद इन 2 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन फ्रॉम 9/9/2022 से 8/9/22 एंड आर मेडिकली एज पर प्रोविजनल ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये पावर ग्रिड का जो एक्ट है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि इसमें कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे इसके बारे में बता रहा। तो अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेंट, इस एप्लीकेंट से पहले अगर आप क्लियर नहीं किए हैं तो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। नॉट कम्प्लीट द 18 ईयर्स एज, अगर 18 ईयर का एज आपका कम्प्लीट नहीं हुआ तो नहीं अप्लाई कर सकते। हैव ऑलरेडी अंडर गो आर द करेंटली अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी रिकोनाइज ऑफ एनी ग्रेजुएशन, तो आपकी कोई भी जो है अभी बताया ही गया सारा क्वालिफिकेशन, इस हिसाब से अगर आपके पास है क्वालिफिकेशन तो आप इसके लिए जो है ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप के लिए जो है एलिजिबल। हैविंग मोर देन 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का तो भी आप इसमें जो है एलिजिबल होंगे। और आगे बढ़ के देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ। तो दोस्तों ये सारा जो है इसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, अगर ये सारा बताएंगे तो लगभग आधा घंटा बीत जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ये आप नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से भी आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। तो इसका जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है ये तो बता देते हैं कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अंडर NATS NPS एंड 100% कंप्लीटेड अपलोडेड प्रोफाइल इन द पोर्टल। तो जो आप अपलोड कीजिएगा प्रोफाइल जो फॉर्म भरते समय उनका जो प्रिंट आउट होना चाहिए, स्कैन कॉपी फॉर एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट क्लियर एंड लीजिएबल। तो दोस्तों जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका फोटो कॉपी, SC ST लेटेस्ट OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको चाहिए, बैंक कैंसिल चेक फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, तो फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक चाहिए बैंक का, और रिसिप्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो कलर चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। तो ये इसका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था। बाकी और देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो काम का है। तो ये सारा चीज़ जो है इसका टर्म एंड कंडीशन है, शॉर्ट कैसे किया जाएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, स्टाइपेंड क्या मिलने वाला ये बता ही दिए, ड्यूरेशन बता दिए कि 1 ईयर का है। तो ये सारा चीज़ था आज के वैकेंसी में। तो इसी प्रकार का नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार का नया नया अपडेट हम आप लोग के बीच लेकर के आते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।